आज मैं आलू बिरयानी बनाने जा रही हूँ, साथ ही ये प्याज का रायता है जो आलू बिरयानी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैंने खिला खिलाए चावल बना लिया है, कुकर में मैंने ऑयल डाला है, इसमें आलू फ्राई करेंगे। आलू बड़ी साइज़ ही काटेंगे, छोटे आलू हो तो हाफ हाफ काटेंगे, ज़्यादा बड़ी हो तो फोर पार्ट में इसको काट लिया है। इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में ही, ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे, हल्का पक जाना चाहिए। इसे निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैंने दो बड़ी इलायची तोड़ करके डाला है, साथ ही दो दालचीनी और दो तेज़पत्ता डाल दिया है, एक चम्मच जीरा डाल दिया, ये पक जाएगा तब इसमें लहसुन डाल दिया है, ये दो लहसुन पूरा है जो मैंने डाला है कली निकाल करके, सात आठ ये बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको भी काट करके फ्राई कर लिया है, हल्का लंबा लंबा में ही ये प्याज काटा है। पाँच छः आदमी के बना रहे हैं उस हिसाब से ये मैंने प्याज डाला है, साथ ही इसमें नमक हल्दी डाल देंगे। इधर मसाला में मैंने 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, टमाटर 3-4 टमाटर लिया है और लाल सूखी लाल मिर्च को पीस लिया है, एक शिमला मिर्च भी डाल दिया था मैंने। फ्राई किया हुआ आलू डाल दिए हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। ये बिरयानी मसाला है ये मैंने डाल दिया है, साथ ही एक कटोरी दही, कप के नाप से, छोटे कप के नाप से एक कप पानी मैंने डाला है ताकि नीचे जले नहीं, ऊपर से बनी हुई चावल डाल करके गरम मसाला बिरयानी मसाला हल्का सा ऊपर डाल देंगे और साथ ही धनिया का पत्ता डाल करके ये सीटी निकाल दिया है 5 मिनट के लिए, हम लो फ्लेम में पकने देंगे। इधर रायता के लिए मैंने दही में काला नमक डाला है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को छोटे छोटे काट करके इसमें डाल कर मिला लिया है, इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती खाने में आलू बिरयानी के साथ। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।